हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उन स्टोरीज़ को सुन सकेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी और उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सुबह टेलीफोन की घंटी बज उठी। उस वक्त मैं आँख बंद कर आधे नींद में था। शायद सुबह के 10 बजने वाले थे। रात को कुछ ज़्यादा ही समय तक एक लेखन पर जुटा हुआ था, इसीलिए अब तक सो रहा था। फ़ोन उठाया, उधर पत्रिका संपादक दिवाकर चटर्जी थे। वो बोले, प्रशांत जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक ज़रूरी काम करना है। ओके सर, ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब क्या हुआ, कौन सा बादल फट गया, मैंने आँख मलते हुए बड़बड़ाया। वैसे भी पत्रिका ऑफिस में ऐसा क्या काम आ गया? मैं प्रशांत बसु कोलकाता में एक पत्रिका में लेखक हूँ। मेरा पत्रिका में अपना एक कॉलम है जिसमें मैं कई रहस्यमय घटनाओं व कहानियों को लिखता हूँ। मेरे इस भाग को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, इसीलिए कुछ सालों में पत्रिका बिक्री की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी भी हुई है। कई लेटर मुझे प्रतिदिन आते हैं कि मेरे रहस्यमय घटना की कहानियाँ उन्हें पसंद है, आगे और भी ऐसी कहानियाँ लिखूं। इसी एक कॉलम में लिखने के मुझे जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ, इसीलिए काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। ऑफिस पहुँचा, दिवाकर चटर्जी के चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। मैंने बोला, चटर्जी सर फिर कहीं भेजने का प्लान तो नहीं है? दिवाकर जी हंसकर बोले, तुम तो मन की बात भी जानते हो, पुरुलिया का नाम सुना है? मैं हंसते हुए बोल गया, बंगाली होने का क्या फ़ायदा जब मैं पुरुलिया के बारे में ही नहीं जानता। दिवाकर जी बोले, मजाक कर रहा हूँ, तो बात यह है कि पुरुलिया के पास ही एक स्टेशन है, बैगुन कोडोर। मैं दिवाकर चटर्जी की बात काटते हुए बोला, हाँ कुछ दिन पहले पेपर में आर्टिकल पढ़ी थी कि कई साल बाद वहाँ ट्रेन रुक रही है। दिवाकर बोले, हाँ सही कहा, उस स्टेशन को लोग भूतिया मानते हैं, पर उसके बारे में किसी पत्रिका में कुछ कहानी छपी है ये मुझे याद नहीं और लगता भी नहीं। तुम जाकर वहाँ के लोगों से सही तथ्य का पता करो और रहस्य कॉलम में एक बेहतरीन कहानी लिखो। ठीक है, मैं कल निकलता हूँ, इतना कह मैं चला आया। वैसे आपको उस स्टेशन के बारे में बता दूँ तो वो स्टेशन पुरुलिया और बोकारो की लाइन में पड़ती है। वहाँ के सब मानते थे कि वो एक भूतिया स्टेशन है, इसीलिए इस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया गया था और इस साल 2009 में 42 साल बाद चालू किया गया और रांची हटिया एक्सप्रेस की हॉल्ट तय हुई। सुना एक ट्रेन के हॉल्ट के लिए वहाँ के गांव वालों ने कड़ी मेहनत कर भागदौड़ की और अंत में ममता बनर्जी ने इस ट्रेन की हॉल्ट तय की। अगले दिन पुरुलिया पहुँच गया और एक होटल में ठहर गया। दोपहर का भोजन कर साइंस म्यूजियम व जिला लाइब्रेरी और अन्य जगह घूमने चला गया। फिर ट्रेन से बैगुन कोडोर पहुँच गया। आदिवासी के हड़ताल की वजह से आज ये ट्रेन देर से आई थी। बैगुन कोडोर पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। ट्रेन 6 घंटे देरी से आई थी। तभी इतनी रात हुई। जब स्टेशन पर उतरा तो देखा मेरे अलावा और कोई भी स्टेशन पर नहीं उतरा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह निर्जन है, क्या पता ठीक जगह ही उतरा हूँ या नहीं। पीछे घूमकर देखा कि कोई भूल तो नहीं हो गई। प्लेटफॉर्म के खंभे पर एकमात्र जलते लाइट में साफ दिखा कि एक पीले बोर्ड पर लिखा हुआ है बैगुन कोडोर। और कुछ न सोचकर मैं सीधा स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ गया, लेकिन वहाँ जाकर भी हताश होना पड़ा। आसपास के किसी भी केबिन में लाइट नहीं जल रही थी। गए कहाँ सब? तो क्या रात में यहाँ कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहते? खुद के मन में ही ये सब कह रहा हूँ। समझा, यहाँ किसी को बुलाने से कोई लाभ नहीं, आसपास भी किसी घर के चिन्ह तक नहीं है।
बहुत दूर दो चार लाइट दिखी, शायद वहाँ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा चारों तरफ खेत व पेड़। मैं भयभीत व डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन पूरी रात इस स्टेशन पर रहने को मन राजी ही ना हुआ। इसका एक कारण ये है कि इस जगह के आसपास लूटपाट की घटनाएं अक्सर ही पेपर में पढ़ता हूँ, इसीलिए सुनसान जगह ऐसे किसी मुसीबत में पड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरे बैग में रात का खाना और पानी है, इसीलिए निश्चिंत हूँ। अब केवल एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाए, ये सब सोच ही रहा हूँ कि किसी ने पीछे से बुलाया, कहाँ जाओगे? इस सुनसान जगह मनुष्य के गले की आवाज़ सुनने के कारण मैं चहक उठा। तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी लुंगी और बनियान पहनकर खड़ा है। स्टेशन के जलते धीमे लाइट में जो समझा आदमी की उम्र यही कोई 60 के आसपास है। मध्यम ऊंचाई, सिर टकला और शरीर का रंग काला ही बोल सकते हैं, पर चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। आप जाओगे कहाँ? फिर प्रश्न किया उस आदमी ने। इस बार मैं बोला, यहाँ कहीं रहने की कोई जगह है? यहाँ पर तो नहीं है, पर आपको आपत्ति ना हो तो रात आप मेरे घर में रात काट सकते हैं। ये बात सुनकर मैं निश्चिंत हुआ। मन ही मन में सोचा, चलो रात में कम से कम किसी दुष्ट के हाथ नहीं पड़ूंगा। मैं बोला, आपने बचा लिया। खड़े होकर यही सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारूँ, आपको कैसे धन्यवाद दूँ समझ नहीं पा रहा। बात समाप्त होने पर वो आदमी थोड़ा सा हंसकर बोला, समझ जाएंगे, आइए आप मेरे साथ। यही बोलकर मेरे आगे आगे वो आदमी चलने लगा। मैंने भी उन्हें अनुसरण किया, लेकिन फिर एक बात मेरे मन में आ रही थी कि इस आदमी ने जिस घर के बारे में बात की वो कहाँ है? आसपास तो कुछ नहीं है, तथा अब तक जिस बारे में ध्यान नहीं दिया वो अब याद आया कि यह आदमी आया कहाँ से। मैं जब ट्रेन से उतरा तब तो स्टेशन पूरा खाली था। क्या पता रहस्य व रोमांच लेकर हर वक्त सोचने की वजह से ऐसे प्रश्न मन में आ रहे हैं। मन की सभी आशंकाओं को फेंक कर मैंने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पूछा। उस आदमी ने कहा, हितेश चंद्र। ये बोलकर हाथ उठा, सामने की तरफ इशारा किया, वो देखिए वही मेरा घर है। देखा तो सही में कुछ दूरी पर एक छोटे से घर के आगे एक लालटेन जल रही है। ये स्टेशन के पीछे होने के कारण शायद तभी नहीं दिखाई दिया। घर का दरवाज़ा खुलकर हितेश जी मुझे अंदर आने को कहे। मेरी एक आदत है कि कहीं से आकर हाथ पाँव बिना धोए मैं घर के अंदर नहीं जाता, वो चाहे किसी का घर क्यों ना हो। और वैसे भी ट्रेन सफ़र के कारण चेहरे पर पानी के दो छींटे ज़रूरी हैं, इसीलिए बोला, अच्छा हाथ पैर धोने को पानी मिलेगा? हाँ हाँ ज़रूर, बोलकर हितेश बाबू घर के बाएं तरफ इशारा किए और बोले, उधर देखिए एक कुआं है, थोड़ा कष्ट करके पानी उठाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, परेशानी किस बात की, मैं अभी आता हूँ, बोलकर घर के दरवाजे पर बैग को रख कर कुएं पर हाथ पैर धोने गया। फिर बैग से गमछा निकाल हाथ पैर पोंछ कर घर के अंदर गया। घर के अंदर वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, दो खटिया, एक स्टील का बॉक्स और रस्सी में झुलाए गए प्रतिदिन के कपड़े। घर के दाहिनी तरफ बेड़े से बनाया एक और कमरा था, शायद खाना बनाने का घर था। मैंने हितेश जी से पूछा, आपके घर में और कोई नहीं है? नहीं, मैंने शादी नहीं की, अकेला ही रहता हूँ, स्टेशन मास्टर का काम कर देता हूँ, वो खाना बना देता हूँ, उसी से मेरा घर चल जाता है। इतने देर बाद वो बात मुझे याद आई, बोला, अच्छा यहाँ के स्टेशन मास्टर को तो कहीं नहीं देखा, कहीं गए हैं क्या? ये सुन हितेश जी हंसकर बोले, जाएंगे और कहाँ, हम क्या कहीं जा सकते हैं, आसपास ही कहीं हैं, इधर चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है, स्टेशन के गोदाम में माल रखे होते हैं, शायद वहीं देखभाल करने गए होंगे। अच्छा आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? खराब वक्त में जो मनुष्य आपकी मदद करते हैं उसके साथ कुछ छुपाना ठीक नहीं, इसीलिए मैंने भी सब खुलकर बता दिया। सब कुछ सुनकर कुछ क्षण के लिए भीतर ही हितेश जी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर शांत भाव लाकर बोले, देखिए बात की बात में आपसे खाने पीने की बात ही भूल गया। मैं उन्हें रोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं हितेश जी, रात का खाना मेरे पास है, मैं खा लूँगा, आप बल्कि इस स्टेशन के बारे में मुझे कुछ बताइए, मतलब इस स्टेशन को लेकर जो सब भूतिया कहानी सुनाई जाती है वो क्या सच है? सुना है किसी लड़की की आत्मा ट्रेन लाइन के ऊपर इधर उधर चलती है, आपने देखा है कभी? हितेश जी ने एक बार मेरे चेहरे को देखा
फिर सिर झुकाकर बोले, कहानी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये ऐसा है मानो अभी कुछ दिन पहले की घटना। मैंने खुद उसको अपनी आँखों से देखा है। ये घटना लगभग आज से 40 साल पहले की है, हितेश बाबू बोलते रहे। हमारे ही गांव की एक लड़की आरती, उसकी शादी हुई यहीं पास के गांव के एक लड़के के साथ। उसका नाम रतन था। दोनों को ही मैं पहचानता था। आरती को तो मैं बचपन से ही जानता था, मुझे काका काका कहकर बुलाती थी। शादी के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन फिर इस घटना की जड़ शुरू हुई। रतन दारू पीकर आने के बाद आरती को मारता। बचपन से ही आरती को देख रहा हूँ, अगर मेरी बेटी होती तो शायद उतनी बड़ी ही होती। इसीलिए उसकी यह दशा देखकर बहुत बुरा लगता था। माँ स्वर्गवासी, लड़की का बाप का भी शरीर ठीक नहीं था, कब मर जाए क्या पता, इसीलिए किसी तरह उसकी शादी कर दी थी। लेकिन हुआ उल्टा, बाप बच गया, मर गई तो लड़की। उस रात स्टेशन मास्टर गोदाम के सामान को देखने गए थे और मैं स्टेशन के बेंच पर लेटकर इधर उधर कर रहा था। बाहर अच्छी हवा थी, इसीलिए नींद से आंख भी बंद हो रही थी, और उधर मालगाड़ी आने का भी समय हो गया था। ठीक उसी वक्त मैंने सुना कि कोई लड़की रो रही है। इतनी रात में एक लड़की यहाँ क्या कर रही है, यही सोचकर मैं जल्दी से उठा तो देखा कुछ ही दूर पर आरती बैठकर रो रही है। मैं जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? वो बोली कि रतन मुझे गलत रास्ते पर उतारना चाहता था। यही सुनकर मैंने उसे गाली दे दी और उसने मुझे बहुत मारा। मैं और नहीं जीऊँगी काका, मैं अब मरूँगी। मैंने बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारा भाग्य ही खराब है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मैंने देखा स्टेशन मास्टर भी वहाँ आ गए। ये सुनकर वो तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले, इन सब बदमाशों को तो जेल में भेजना चाहिए, हरामी जानवर कहीं के। तुम मत रो बेटी, जाओ घर जाओ, कल एक बार मैं खुद ही तुम्हारे यहाँ जाऊँगा, अभी तुम घर जाओ। वैसे तुम अकेली जाओगी कैसे? हितेश तुम उसको घर छोड़ाओ। यही बोलकर स्टेशन मास्टर चले गए। मैंने आरती को बोला कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। ये बोलकर मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, तब मालगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। क्या कहूँ आपको, एक डर सीने के अंदर दौड़ गया। मैं फिर जल्दी से स्टेशन की तरफ भागा। जाकर देखा आरती मालगाड़ी की तरफ जा रही है। मैं उसे पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए पीछे से भागा, लेकिन वो सीधे कूद गई मालगाड़ी के सामने। फिर बहुत तेज़ एक चिल्लाहट। हे भगवान, वो क्या दृश्य था आपको कहकर नहीं समझा सकता। मालगाड़ी के डिब्बे में तब भी उसकी सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा उड़ रहा था। हितेश जी ने जब इतनी बात समाप्त की, इसी बीच लालटेन के उस प्रकाश में पूरा परिवेश कुछ बदल सा गया था। हितेश जी की कहानी सुनाने की वजह से ही हो सक, या चाहे मेरे ट्रेन यात्रा के कारण ही हो, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं सिमटा जा रहा हूँ। ठीक उसी वक्त मैंने देखा घर के अंदर एक लंबी सी परछाई दिख रही है। मैंने चौंक कर बाहर की तरफ देखा। हितेश जी खटिए से उतरकर बाहर की तरफ देखते हुए हंसकर बोले, अरे आइए स्टेशन मास्टर जी, इन्हीं के साथ बात कर रहा था। इतना कहते ही घर के भीतर हितेश जी के उम्र के ही एक आदमी ने प्रवेश किया। उनके पोशाक को देखकर ऐसा लगा ही कि यही स्टेशन मास्टर है। घर के अंदर आते ही उस आदमी ने मुझसे बोला, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूँ फिर, पहले से उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। इसके बाद दो तीन और कुछ बातों के बाद स्टेशन मास्टर ने हितेश जी से कहा, हितेश चलो देखते हैं आज क्या होता है, गाड़ी का समय तो हो ही गया है। हितेश बाबू ने मुझसे कहा, चलिए आप भी हमारे साथ। हितेश जी और स्टेशन मास्टर दोनों स्टेशन की तरफ चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं दोनों लोग? ये बात मन के भीतर आने पर भी मैंने मंत्रमुग्ध होकर उनका अनुसरण किया। स्टेशन पर आकर देखा कोई भी कहीं नहीं है। कहाँ गए दोनों? दो तीन बार बुलाया भी, हितेश जी हितेश जी, लेकिन कहाँ? किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, केवल एक मालगाड़ी के आने की आवाज़ आ रही है। इसी बीच मैंने देखा जिस तरफ से मालगाड़ी आ रही है, ठीक उसके विपरीत दिशा से एक सफ़ेद साड़ी रेल लाइन के ऊपर से चली आ रही। मेरे सामने पास आने पर देखा मानो साड़ी किसी शरीर पर लपेटा हुआ हो, पर कुछ ही देर में देखा वो और कुछ नहीं, वो एक लड़की का शरीर है। सही शरीर नहीं,
छिन्न भिन्न शरीर, सिर तो कंधे के पीछे कटकर झूल रहा है, कमर के नीचे का भाग किसी तरह चमड़े के साथ लगा हुआ है, पर वो शरीर हवा में ही मालगाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। ये दृश्य देखकर मैं मानो पत्थर सा हो गया, मानो मेरे ज्ञान बुद्धि सब शून्य हो गए। क्या ये वास्तव में है या कोई स्वप्न है? केवल मैंने समझा कि चाहते हुए भी मैं जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मानो अभी फट जाएगा दिल। लेकिन इसी बीच एक और दृश्य ने मुझे भय के अंतिम सीमा को पार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि न जाने कहाँ से हितेश जी और स्टेशन मास्टर भी आकर उस कटे लड़की के शरीर के पीछे पीछे चल रहे हैं। तुरंत ही वो मालगाड़ी आकर उनके ऊपर से गुजरने लगी। ऐसा दृश्य और मालगाड़ी की आवाज़, ये सब कुछ मिलकर मेरे दिमागी संतुलन को निगलने लगे। मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद और कुछ याद नहीं। जब होश आया तब सुबह हो गई थी। मैं वहीं पर गिरा हुआ था। एक एक कर रात की सभी बातें मुझे याद आई, लेकिन तब भी सब कुछ कल रात की एक भयानक स्वप्न की तरह ही लग रहा था। किसी तरह उठकर हितेश जी के घर की तरफ गया। आश्चर्य, वहाँ घर कहाँ है? ये तो झाड़ी और जंगल से घिरी एक जगह है। उसके ठीक बाएं तरफ कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत पुराना टूटा फूटा कुआं है। भीतर झाँक कर देखा, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। कल रात को मेरा सिर फिर घूमने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कल रात के घर के पास आकर देखा तो कुछ दूर ही मेरा बैग रखा हुआ है। बैग को हाथ में लेकर देखा, खाना पानी तौली सब जैसे के तैसे ही हैं। कहाँ था मैं कल रात? अच्छा, क्या सब कुछ ही स्वप्न था? या मैं भी अब बचा नहीं हूँ? क्या मैं भी मर गया? कुछ भी सोच नहीं पा रहा मैं। खुद को किसी तरह स्टेशन पर ले गया और वहाँ एक बेंच पर बैठा। कुछ देर बाद पैंट शर्ट पहना एक आदमी साइकिल से उतरकर स्टेशन घर में जाने लगा। उसी वक्त मुझे देखकर मेरे तरफ आया। मेरे आँख और चेहरे का क्या हाल हुआ है वो मैं नहीं जानता। हो सकता है कल रात की उस विभत्स घटना की छाया अभी भी मेरे चेहरे पर हो। वही देखकर उस आदमी ने मुझसे पूछा, कौन हैं आप, कहाँ जाएंगे? प्रश्न पूछने के बाद कुछ देर बाद मैंने अपना परिचय देकर सब बात खुलकर बताया। ये सुनकर वो आदमी तो हतप्रभ हो गया। सर्वनाश, कल रात आप यहाँ थे? आपका भाग्य अच्छा है साहब। उफ, मेरा तो ये सब सुनकर ही हाथ पांव ठंडे होते जा रहे हैं। चलिए आप मेरे कैबिन में। ये बोलकर वो आदमी मुझे पकड़कर कैबिन में ले गया। पता चला ये आदमी ही यहाँ का स्टेशन मास्टर है, नाम दिनेश रॉय। उसके मुँह से ही ये बातें सुनी। लगभग 40 वर्ष पहले उस लड़की की मौत के बाद और दो लोग मर गए थे, एक आदमी का नाम हितेश चंद्र और एक उस वक्त के स्टेशन मास्टर। उसके बाद बहुतों ने उन तीनों को इस स्टेशन में घूमते देखा है। यहाँ रात को कोई भी नहीं रहता। कल ट्रेन ने बहुत देर किया था, इसलिए मैं भी यहाँ से चला गया था। मालगाड़ी के इंजन ड्राइवरों ने भी कई बार देखा है कि उस लड़की के पीछे वो दो आदमी भागे चले आ रहे हैं, मानो वो उस लड़की को बचाना चाहते हैं। बहुत दिन से ऐसा होता रहा है, इसलिए यहाँ किसी ट्रेन का हॉल्ट नहीं था। वो तो हमारे रेल मंत्री ममता बनर्जी के कारण इस स्टेशन को फिर शुरू किया गया। जो भी हो, मेरे कई सवालों को छोड़ प्रमाण मुझे मिला। दिनेश के अच्छे आचरण के चलते उनके रेल क्वार्टर में ही नहाना खाना हुआ। ये आदमी सच में ही बहुत अच्छे हैं। उसके ऊपर कोलकाता के रहने वाले रोजगार के चलते ही यहाँ पर हैं, इसीलिए मेरे प्रति उनकी सहानुभूति में कोई त्रुटि नहीं रही। वहाँ से शाम के ट्रेन से पुरुलिया, फिर सीधा अपने घर। अगले दिन ये सब कुछ सुनकर दिवाकर जी चिंतित होने से ज़्यादा खुशी हुए और बोले, क्या हुआ? देखा तो एक रोमांचकता का विषय मिला। जाओ अब कुछ दिन तुम्हारी छुट्टी, जाकर एक बढ़िया सा रहस्यमय लेख लिखो। उनके इस बात पर क्या बोलूँ, वो सब न सोचकर मैं सीधे बाहर निकल गया। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।